मैडम रेडी? बस चायन आई एम ऑलमोस्ट रेडी, बस और तो रेडी होना बाकी है मेरा। रेडी होना अभी बाकी है सर, एक मिनट। मैडम जिस रेडी पर हम जा रहे हैं ना उसके लिए आप ऑलरेडी काफी रेडी हो। क्या रेडी? कौन सी रेडी? कहाँ की रेडी चायन? क्या करा रहे हो आप? यार सबरीना देखो आज ना थोड़ा सा देसी स्टाइल में जाने का मन है, और वैसे भी मैं बाकी व्यूअर्स के लिए बता दूं स्ट्रीट स्टाइल वाले जो शोज आते हैं उसमें कोई बाइट इन नहीं करेंगे उस कैटेगरी में। लेकिन मेरा मन था आज चाट खाने का, तो अब चाट खानी है तो भाई थोड़ा सा तो सड़कों पर निकलना ही पड़ेगा ना। वैसे तो स्ट्रीट्स पर ही मिलेंगे चाट, और क्या ही है। मुझे लगता है आप अपने स्ट्रीट स्टाइल फैशन में बिल्कुल तैयार हो। चलो निकलते हैं। रेडी ना? हाँ चलो। ओके ड्राइवर साहब मेरी एसी बीसी डीसी कार निकालो। देख रही हो अभी से ही चाट की जो खुशबू है वो यहाँ तक पहुँच रही है। चैन चलो सही है, दिस वॉज योर आइडिया। लेट्स सी कि अगर आप ये टेस्ट पास कर पाते हो या नहीं। पास की बात कर रही हो, ये पता है जगह कहाँ पर है? ये यूपीएससी के पास है, यूपीएससी वालों ने इस चाट को पास कर रखा है। चलो फिर देखते हैं इफ लेट्स सी इफ योर आइडिया ऑफ चाट इज एक्चुअली द एक्चुअल चाट और नॉट। देखते हैं, देखो यहीं से खूबसूरत चीजें शुरू हो गई। तो सभी ने इस चाट की एक्सपीरियंस का जो शुरुआत है, मुझे लगा कि देखो हर चीज को हर अच्छी बात को कहते हैं ना भगवान के नाम से शुरू करना चाहिए, तो प्रभु चाट भंडार पर हम आ गए हैं। और ये जो प्रभु चाट भंडार है बहुत ही आइकॉनिक है, दिल्ली में हर कोई जानता है, और सिर्फ आजकल की जनरेशन नहीं, उससे पुरानी जनरेशन, क्योंकि 1935 से है। हिस्ट्री के लेसन्स मैं देता रहूँगा यहाँ पर सबरीना। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर खाने के लिए। ऑब्वियसली यार चाट में तो देयर सो मच, वेयर डू यू इवन स्टार्ट, बट आई एम अज्यूमिंग सिंस वी आर नेक्स्ट टू द तवा सो मे बी वन ऑफ देम। तो आलू चाट से शुरू करें। ओके आलू चाट Mix it up. सर एक आलू चाट लगा दीजिए सबसे पहले। भैया नींबू ज्यादा डालना। ओह चैन में पानी आ रहा है। टॉप की चाट तो ये इसलिए है क्योंकि जो इंडिया में जो टॉपर्स होते हैं उन्होंने ये बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया चाट। यूपीएससी यहाँ पर सबरीना बिल्कुल पास में ही है, यहीं पर राइट। तो बॉल यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े लोग आईएएस बनने के पीछे भी मेरे ख्याल से इसकी ये एक सीक्रेट है। चाहे मानना पड़ेगा द आलू इज सो क्रिस्पी इवन आफ्टर ऑल दैट कोटिंग ऑन दैट चटनी एंड मसाला। ओहो चलो ये हमने आलू चाट तो देख ली, अब आप मुझे बताओ अगला नंबर आपके हिसाब से किस चीज़ का लगना चाहिए? आपको भल्ला पापड़ी पसंद है? एक्चुअली मेरे को सिर्फ नॉर्मल पापड़ी चाट पसंद है, भल्ला का आई एम नॉट टू फैन, आई एम नॉट सच अ बिग फैन। यू आर नॉट फैन ऑफ भल्ला? आई जस्ट लव द क्रिस्पी। विकास भल्ला भी पसंद नहीं था आपको? तो चलिए ये तो बहुत बढ़िया लगा, इसे हम खत्म कर ही रहे हैं। इस बीच में आपके लिए मैं करवा देता हूँ पापड़ी चाट, और मुझे लगता है मैं थोड़ा सा टिक्की भी टेस्ट करना चाहूँगा। Cool. भैया एक भल्ला पापड़ी लगा दीजिए। नहीं भैया पापड़ी चाट। भैया आप एक टिक्की कर दीजिए मेरे लिए, मैं बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड आदमी नहीं हूँ, एक टिक्की कर दीजिए पर दही मत डालिए। वाह सभी ना कलर्स तो आपके में ही है, ये तो मैंने देख लिया। रंग बिरंगी भी मैं ही हूँ, आप तो
बेरंग होगा. This smells so good. Oh my god. I'm digging in, guys. पर चाट का मतलब है टिक्की. Let's talk about presentation. Presentation is very simple. आपको जैसे ही चाट मिलना चाहिए आपको वैसे ही मिलता है. No nonsense है इसमें. And like I said, यहाँ पे I think they have their own masalas, क्योंकि the masalas just taste amazing. और शायद यही मेरे ख्याल से एक सीक्रेट है जो इतने सालों से 1935 से अंग्रेज़ों के ज़माने से ये लोग यहाँ पर हैं और आज भी भाई साहब भीड़ ख़त्म नहीं होती. पीछे आप भीड़ देख पा रहे हो क्या? चाट की बात करो और गोलगप्पे ना खाओ ऐसे तो हो ही नहीं सकता. चल ये गोलगप्पे जो है ना इसमें पानी नहीं, अमृत है अमृत. भैया एक काम करो, आटे के खिला दिए आपने, थोड़े से सूजी के भी खिला. मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये जो लोग होते हैं कि आटे के खाने हैं सूजी के खाने हैं, दोनों ही तो बढ़िया लगते हैं. भैया मैं आज कोशिश करता हूँ. ये सूजी के, हाँ जी सेम से लग रहे हैं. सूजी के शायद ज़्यादा करारे होते हैं. आप एक और खिला दो. तो मन नहीं भर रहा यार. वो जली जीवन है, बट दिस इज समथिंग एल्स ब्रो. पेट बिल्कुल फट रहा है पर भाई साहब मन बिल्कुल नहीं भर रहा है. एंड डू यू थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू टॉक अबाउट एम्बियंस? बबू देखो एम्बियंस की बात करो तो इट्स लिटरली अ कॉर्नर ठेला वेयर यू गेट चाट जस्ट लाइक एनी अदर देसी चाट राइट, बट the food here is so much worth it that you will forget about the ambience. Pani bila do. To chaliye ye bata dete hain ki aapko yahan par pahunchna kaise hai. Kitni baar main bata chuka hu bilkul UPSC ke paas hai aur Prabhu Chaat Bhandar itna famous hai ki aap kahin par bhi kisi se bhi aas paas puchenge wo bhai sahab aapko seedha yahan par aakar drop karega. In fact Google Maps bhi hai, kuch aur nahi to aap Google Maps ke sahare aa jana. Par Sabrina pricing ke hisab se batao. The pricing here is so sorted. Main dekh rahi thi गोलगप्पे आपको 5 पीस मिलते हैं फॉर 30 रुपीज़ जो कि सही है. और आप कहीं और जगह जाते हो खाने के लिए एम ब्लॉक वगैरह जो दिल्ली में थोड़े से और फेमस है जहाँ पर चाट वगैरह मिलती है वहाँ पर 30 रुपए के सिर्फ मिलेंगे आपको 3, यहाँ पर 30 रुपए के मिल रहे हैं 5. यानी कि बिल्कुल प्राइस बहुत ही बढ़िया. और मेरे ख्याल से 70 रुपए की पापड़ी चाट है टिक्की. भैया थोड़ी सी थोड़ी ज़्यादा नहीं, यही दिक्कत है बस चाट के साथ. लोगों का मन नहीं भरता और नियत नहीं भरती है. अभी तो फिलहाल पेट भी नहीं भरा क्योंकि देयर इज अनदर प्लेस आई हैव टू टेक यू. क्या बात कर रहे हो? या ऑब्वियसली बट एनीवे ऐसा ही तो एक्सपीरियंस होगा. चाट और तो कहीं मिलती भी नहीं है. वो तो वहां जाके देखेंगे ना. चाहे आप ऐसे अज्यूम थोड़ी कर सकते हो. मेरा तो पेट बहुत भर गया है. सबरीना का ना पेट भरा है ना नियत भरी है ना इनकी बातें भरी हैं. एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक के बाद देखते हैं सबरीना ऐसी कौन सी जगह ले जाने वाली हैं चाट खिलाने के लिए जो ये कह रही है बड़ा स्पेशल होगा. इससे ज़्यादा स्पेशल क्या होगा? जिस तरीके से ये जगह बिल्कुल भरी हुई है पूरी पैक्ड है बट मुझे अभी भी सिर्फ एक ही चीज़ का डाउट है. मैंने कभी भी इतने सुंदर और इतने फैंसी रेस्टोरेंट्स में ना कभी मैंने चाट वगैरह देखी नहीं है. वी हैव कम टू इमली एंड द थिंग अबाउट दिस प्लेस इज दैट दे ऑलरेडी हैव 7 आउटलेट्स ऑल ओवर दिल्ली. एंड इफ यू थिंक जो आपका एक्सपीरियंस था यूपीएससी चाट क्या प्रभु चाट भंडार द डिवाइन चाट
तो अगर आपको लगता है कि वो वाला एक्सपीरियंस काफी स्वीट था तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा चटपटा होगा। इमली चटपटा यानी देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। क्या बात है सबरीना, isn't this looking so cool, Chayan? This is very cool. बिल्कुल मेले वाली फीलिंग आ गई है, जैसे चाट आप मेले से भी एसोसिएट करते हो, बिल्कुल यहाँ पर मेला लगा दिया है। बिल्कुल डिफरेंट नहीं हो गया चैन, बिल्कुल ही डिफरेंट। एक काम करते हैं, इस टिश्यू के इशू को थोड़ा सा दूर रख लेते हैं। सबरीना बहुत ही फैंसी सेटिंग, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है मेरे को। तो चैन, why are we wasting so much time? Why aren't we digging in already? गोलगप्पे से शुरू करते हैं। But Chayan, which गोलगप्पा? Your regular गोलगप्पा या फिर भरवा गोलगप्पा? तो चलिए, सबरीना के पास है अपना भरवा गोलगप्पा और मेरे पास अपना रेगुलर। वाओ। Very nice। क्या हो गया? I think that's why it's called गोलगप्पा, because इसको खाके आपकी शक्ल भी गोलगप्पे जैसी बन जाती है। आपकी तो हो रही है। पर चलिए बाकी चीजें भी शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पर बहुत ही फैंसी लुकिंग टिक्की है। What I like about the गोलगप्पा here is that you make your own, you know, like DIY. आप चाहो उसमें थोड़ी सब्जियाँ भर सकते हो। But Chayan, let's go and talk about, you know, like the USP. One thing about Imly is that यहाँ पे आपको काफी ही quirky style में जो आपका usual traditional Indian खाना है, and the best part is, and Chayan, you're going to really like this, is that all the Imly outlets are pure vegetarian restaurants. Wow. So there is really nothing in store for me, but still so much in store for everybody. So Sabrina, USP की हमने बात कर ली, presentation आप सब लोग देख ही रहे हो, आप मुझे बता दो, इससे ज़्यादा फैंसी प्रेजेंटेशन आपने कभी देखी है चाट के साथ? जनरली जो चाट होती है वो आपको ठेलों पर मिलती है, अब ठेलों पर मिलेगी इंडिया में, दिल्ली में आपको जो मौसम मिलता है वो इतना अच्छा मौसम नहीं मिलता 12 महीने कि आप बाहर जाना चाहो। तो मैं हमेशा एक चीज़ जो मिस करता था ना सबरीना, वो ये था कि यार किसी एक एसी रेस्टोरेंट में मैं बैठ के चाट का मज़ा ले सकूं, पर कम्प्लीटली यहाँ पर आकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ऐसी जगह मेरे को लगी कि यहाँ पर आप चाट का मजा भी ले सकते हो, और जितनी भी इनके पास वैरायटी है, जो भी लिमिटेड वैरायटी है, वो मेरे को सही लगा। चैन, व्हाट डू यू मीन कि जितनी लिमिटेड वैरायटी? आपको क्या लगता है सिर्फ इतना ही है? अरे, देयर सो मच मोर कमिंग, एंड दिस इज लिटरली जस्ट द यूजुअल जो चाट के वर्जन होते हैं, सो मच मोर। इन फैक्ट लेट्स गो ऑन टू राउंड टू। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी चीज़ की चाट बना दी हो, एक्चुअली मतलब जो भी चीज़, जो भी सिग्नेचर डिश इन्होंने उठाई है, जैसे कि यहाँ पर ये समोसा चाट है। तो अब मैं बता दूँ कि मेरे पास क्या है, एंड इफ यू वंडरिंग कि वाई आर दीज माई डिशेज, इट्स बिकॉज इन दोनों में दही डाले हुए हैं, एंड चाइल्ड विल नॉट इवन टच इट बिकॉज ही थिंक्स ही इज लैक्टोज इनटॉलरेंट, ही इज जस्ट इनटॉलरेंट टूवर्ड्स everything. So I have what they call the पालक पत्ता चाट। यहाँ पे इन्होंने पालक के पत्तों का पकौड़ा बना के, वेरी हेल्दी, आई जस्ट लव हेल्दी। इन फैक्ट पालक मतलब हेल्दी, हेल्दी मतलब कि सबरीना नीड्स इट बिकॉज़ सबरीना इज अनहेल्दी। एनीवे, बट आई ऑल्सो हैव अनदर डिश विच इज द इडली चाट। मतलब आपने कभी सोचा होगा कि इडली का भी चाट बन सकता है? पहले खाओ तो सही। अच्छा, सॉरी, चलो। काफी इंटरेस्टिंग है चैन। आई एम श्योर, देखने में तो बिल्कुल लग रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग चैन, प्रेजेंटेशन हमने बोल दिया, यूएसपी की भी बात हमने कर ही लिया, नाउ कैन यू टॉक अबाउट द एंबियंस? वेल, एंबियंस के बारे में मैं सिर्फ एक बात ये कह सकता हूँ कि बहुत ही क्वर्की एंबियंस है। आप यहाँ पर आते हो, आपको बड़ा सा मॉडर्न टेक सा दिखाई देता है, और मेरे ख्याल से जो इनका पूरा फूड मेन्यू है उसके साथ बिल्कुल इनके सारे इंटीरियर्स वगैरह जाते हैं। पर जब हम इंटीरियर्स की बात कर रहे हैं और आप सब चीज़ें देख पा रहे हो, तो मैं ये भी बता देता हूँ कि हम बैठे कहाँ पर हैं। मतलब मैं नहीं बता देता, सबरीना बता देंगी क्योंकि मैं समोसा खा रहा हूँ। तो बेसिकली हम जिस आउटलेट में हैं
उसका नाम है इमली कोर्टयार्ड विच इज़ इन अशोक विहार. लाइक आई सेड ऑफ कोर्स वी हैव अ लॉट ऑफ अदर आउटलेट्स एज वेल. उनका सबसे पहले रजिंद्र प्लेस में खुला था बट दैट्स ऑन द पॉइंट. द पॉइंट इज लिटरली दे आर कमिंग अप विद एन इमली इन योर नेबरहुड. तो यू ऑल यू हैव टू डू इज वॉच आउट फॉर इट. इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन इमली इन योर नेबरहुड देन यू शुड गो चेक इट आउट बिकॉज दिस प्लेस इज टोटली वर्थ इट. इतना डिफरेंट चाट पे जो एक्सपेरिमेंट है और ना सिर्फ एक्सपेरिमेंट बल्कि टेस्टी भी वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा. तो जैसा कि सबरीना ने कहा आपके नेबरहुड में खुलने वाला है, आप अपने नेबर में भी जा सकते हो. और अगर आपको जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पर आना है तो आप अशोक विहार में आ सकते हो. मेट्रो पकड़ लो, आसपास होगी. कैब से आ रहे हो क्या? ये आपने कहा कि मेट्रो होगी आसपास, पकड़ लो. हाँ मतलब अगर आपका बजट नहीं है सबरीना की तरह तो आप मेट्रो पकड़ लो. तो सबरीना वर्डिक्ट क्या है आपका इस प्लेस का, मैं ये जानना चाहता हूँ. माई वर्डिक्ट डिपेंड्स ऑन द कॉस्टिंग ऑफ दिस प्लेस. ओके एंड लेट मी टेल यू द कॉस्टिंग ऑफ दिस प्लेस इज ब्रिलियंट. आपको क्या लगता है, आपने ये जो सारा जो ये सारे जो डिशेज मंगवाए हैं अगर आपको इसका बिल देना होता तो आप गेस करो कि आप कितना दे रहे होते? क्या देखो यही चीज़ है, जब मैं ठेले पर खाता हूँ जैसा कि हमने पहले खाया तो वहाँ पर ना आपको AC मिलता ना आपको एम्बियंस मिलता, तब भी आपका इतनी सारी चीज़ों का आराम से 400 रुपये बिल आ जाएगा. ना वॉट इफ आई टोल्ड यू कि ये सब मंगवाने के बाद भी आपका सिर्फ 450 का बिल आए? क्या बात कर रहे हो, बिकॉज एन एवरेज ऑफ वन ऑफ दीज डिशेज इज ओनली 150 रुपीज. क्या बात कर रहे हो, 150, आई एम नॉट किडिंग, ओनली अबाउट 150 to 200 rupees पर डिश है यहाँ पे एवरेज कॉस्टिंग. वेरी वेरी वर्थ इट गाइस. AC में चाट खाने का एक अलग मजा होता है मेरे हिसाब से. वर्डिक्ट बिल्कुल वर्थ इट. तो सबरीना मैं अपना अभी भी समोसा ख़त्म कर रहा हूँ, आपके पास अभी भी दो और चीज़ें ख़त्म करने के लिए हैं. एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद दोनों जगह को थोड़ा सा देखेंगे कौन सा कहाँ किस चीज़ का क्या क्या उसकी USP और कहाँ कौन सी चीज़ थोड़ी सी आगे. और भी जगह बताएंगे जहाँ की चाट फेमस है जो हमने इंटरनेट पर देखे हैं. और ये जो समोसा है वो बहुत बढ़िया है सबरीना के. बिल्कुल मत सुनो आप ब्रेक. तो प्रभु चाट भंडार और इमली कोर्टयार्ड में हमने खूब चाट पे चैट कर ली. अब थोड़ी सी चैट कर लेते हैं अबाउट आवर ओवरऑल कंपैरिजन ऑफ द टू प्लेसेस. सो प्रभु का नाम लेकर हमने चाट के सफर की शुरुआत की थी और मुझे लगता है काफी गॉड लाइक शुरुआत हमारी हुई. फॉर श्योर चयन, द प्राइसेस वर वेरी वर्थ इट फॉर दिस आइकॉनिक प्लेस. और मैंने तो दिल्ली गुड़गांव के लोकल चाट वालों को भी इससे ज्यादा चार्ज करते देखा है. पर चार्जेस के नाम पे सबरीना इमली वॉज अ स्टार टू. Such fancy menu in a good restaurant seating. Absolutely. Quirky interior, interesting presentation and great value for money. तो चलिए अब वक्त है हमारा आपको ये बताने का कि और कहाँ की चाट के लोग दीवाने हो रहे हैं. अब चाट की बात हो और हम चांदनी चौक की बात ना करें तो अजीब ही हो जाएगा. यहाँ पर नटराज दही बल्ले वाला इज वेरी फेमस फॉर इट्स चाट ऑफरिंग्स. पुरानी दिल्ली में हो तो यहाँ जरूर जाना. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को यही चाट खिलाई थी. और अगर थोड़ा सा फैंसी और हाइजीनिक चाट खाने का मन हो देन यू कैन ऑलवेज गो टू हल्दीराम आउटलेट्स इन इंडिया. ट्राई टेस्टेड एंड टेस्टेड जगह. चाट के प्राइस थोड़े से ज्यादा हैं पर भाई आपको गोलगप्पे में पानी भी तो मिनरल वाटर वाला ही चाहिए ना. सो ये थी चाट पे चर्चा. नेक्स्ट वीक कुछ और खाएंगे. रोको मत, खाने भी दो यारों.